हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर शिवाजी ग्रुप ऑफ एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। मैं आपका फिजिक्स टीचर प्रदीप शर्मा। कक्षा 11 की क्लास चल रही बेटा, और इस क्लास में हम लोग जो बात कर रहे हैं वो टॉपिक है विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण की लास्ट क्लास में हमने फॉर्मूला पढ़ा था, वो फॉर्मूला बहुत सिंपल सा था। फॉर्मूला क्या था, वो तो प्रोसेस थी कि अगर आपको कभी मात्रक और संख्या दोनों में बदलाव करने हैं तो आप क्या करोगे, या आपको किसी भी राशि का मात्रक बदलना है तो उसके अंतिम मान में कैसे परिवर्तन करते हैं, विमा की सहायता से हमने ये सीखा। ठीक है, कल हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने सिंपल सा काम करके देखा था कि एक कार 54 यानी 54 किलोमीटर की चाल से चल रही है। ठीक है, और हमें क्या करना था, उसकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदल के बताना था। ये बताना था कि अगर ये मीटर प्रति सेकंड में चल रही होगी तो क्या होगी चाल, है ना। तो यहाँ पर हमने ये बताया था कि आंकिक मान और मात्रा का जो गुणनफल होता है वो हमेशा नियत रहता है, यानी कॉन्स्टेंट रहता है। कैसा रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है यानी नियत रहता है। अब आप क्या करेंगे, अब आपको करना ये है कि जैसे आज एक और क्वेश्चन पढ़ने जा रहे हैं, हमने मान लिया कि जल का घनत्व, डेंसिटी पढ़ी ना, वाटर की डेंसिटी, जल का घनत्व। क्वेश्चन लिख रहा हूं ध्यान से देखो, जल का घनत्व, जल का जो घनत्व है वो मान लिया हमारे पास 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। विमीय विधि से इसका मान किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में बदलो। क्वेश्चन हो गया, ठीक, क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। मतलब कि जल की जो डेंसिटी है 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1 ग्राम, ठीक है, या 1 ग्राम के लिए 1 सेंटीमीटर क्यूब की जगह पढ़नी है। अब ये बता रहा है, कह रहा है कि विमीय विधि का उपयोग करके आप इसी के जो मात्रक को किसमें बदलना है, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब में बदलना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये करते हैं, इसमें ये देखो दिया क्या क्या गया, यानी आप लिखेंगे दिया, क्या क्या दिया भाई बताओ जरा। N1, ये क्या है N1, N1 बराबर कितना है A, क्या क्या करना है N2, है क्या ये घनत्व, है क्या, अगर ये घनत्व है तो घनत्व की विमा क्या होगी, घनत्व की विमा, घनत्व की डायमेंशन क्या होगी, किलोग्राम यानी M प्रति मीटर क्यूब यानी L की पावर -3। ठीक है, आपको क्या करना था यहाँ पर, आपको काम ये करना है कि आपको N2 का मान ज्ञात करना है और N1 का मान आपको दिया है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। अब आते हैं थोड़ी सी बात पे, वही जो हमने कल बताया, पहली राशि जो है, राशि तो दोनों एक ही है लेकिन पहला जो मात्रक है उसमें जो मान 1 है वही मान दूसरी मात्रक में कितना होने वाला है इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपनी एक थ्योरी बनाते हैं, अपना एक बेस कंप्लीट करते हैं कि न्यूमेरिकल को करने कैसे वाले। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस न्यूमेरिकल को करने से पहले मान लेते हैं कि ग्राम और सेंटीमीटर में जो भी इसका विमा बन रही है वो M1 और L1 है। तो लिखेंगे, माना कि ग्राम व सेंटीमीटर में जो विमा है, यानी ग्राम व सेंटीमीटर में जो विमा है वो क्या है, M1 L1 में पावर -3 है। ठीक है, व तथा किलोग्राम व मीटर में जो विमा है उसको मान लिया M2 L2 पे पावर -3। हो गए, तो बोला। अब ये कहा जा रहा है कि आप अब इसे क्या करें, तो करने के लिए हमारे पास एक चीज बचती है, वो है प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार हम इसे सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। देखो जरा ध्यान से, प्रश्नानुसार पहली राशि, पहले में आंकिक मान इंटू यूनिट बराबर दूसरे में आंकिक मान इंटू यूनिट। पहले में आ जाओ, अब हमको ज्ञात क्या करना है N2, तो N2 बराबर आ जाएगा N1 इंटू U1 अपॉन U2।
अब u1 की जगह हमारे पास क्या है m1, l1 पे पावर माइनस 3 पूरे के अपॉन में आ जाओ क्या है m2 l2 पे पावर माइनस 3। बताया था पिछली बार कि हम कोशिश करते हैं कि m1 m2 एक ब्रैकेट में आ जाए, l1 और l2 एक ब्रैकेट में आ जाए, तो क्या मिलेगा n2 इक्वल n1 यहां पर आ गया m1 अपॉन m2, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा l1 अपॉन l2 की होल पावर क्या आ गई माइनस। अब आते हैं जो हमने चेकमेंट करना है उस पे आते हैं, यानी क्या लिखेंगे n2 इक्वल n1 का मान कितना है 1। अच्छा m1 आपको किस में दिया गया है बेटा ग्राम में, तो यहां पर क्या लिखेंगे 1 ग्राम, जबकि n2 आपको किस में दिया गया है 1 किलोग्राम में। सेम यहां पर l1 आपका दिया गया है मीटर में और m2 किस में दिया गया है आपका किलोमीटर, लेकिन होल पावर कितनी है माइनस, होल पावर कितनी है माइनस 3। चेंज क्या करना है यहां पर ये देखना होगा चेंज क्या करना है, तो बेटा हमने चेंज ये करना था इस ग्राम को किस में बदलना है किलोग्राम, इस ग्राम को किस में बदलना है किलोग्राम में, तो वही बात आ गई जो हमने कल बताई थी, यानी 1 1 ग्राम को जब किलोग्राम में बदलेंगे तो 1 में कितने ग्राम होते हैं 1000, यानी 1 ग्राम में कितने किलोग्राम होते हैं 1/1000। सेम प्रोसेस मीटर को बदलना है किलोमीटर में, तो 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं 100, कितना होता है सॉरी मीटर को किस में बदलना है सॉरी सेंटीमीटर था, ये क्या है सेंटीमीटर है और बदलना है आपको मीटर में, थोड़ा सा चेंज कर दो ना ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं 100 सॉरी 1/100 ठीक है, यहां पर क्या जाएगा होल पावर क्या हो गई माइनस 3। अब ये जो होल पावर माइनस 3 है इसका मतलब क्या होता है कि अभी का ऑर्डर चेंज कर दें है ना, ये वन नीचे आ जाए और 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये पावर कैसी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी, यानी हम लिख सकते हैं n2 इक्वल 1 * 1/1000 * 100 की पावर कितनी है 3, तो मतलब कितनी बार बना होगा 100 होगा ठीक है, 1 2 3 1 2 3 खत्म, कितना बचा n2 बराबर बच गया 1000 और यूनिट क्या आ गया किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, इसे हम सही से लिख लेंगे तो हम इसे लिख सकते हैं 1 × 10³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। दोनों चीजें हमने सीख ली, बड़े से छोटा मात्रक करना और छोटे से बड़े मात्रक में चेंज करना ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि आपसे 11th की क्लास में जो ये पढ़ाया जाएगा इसके लिए भले ही चाहे कोई बोर्ड एग्जाम ना हो लेकिन ये आपके आगे का एक बेस है, यानी आगे की जो स्टडी है उसका एक बेस है, अभी आप 12th में जब जाओगे तो इन्हीं फॉर्मूलों पर इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आप अलग अलग न्यूमेरिकल करोगे, जब तब ये आपसे नहीं कहा जाएगा कि आप दिमाग को उपयोग कीजिए विधि से इनको कीजिए, हाँ लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप उन क्वेश्चंस को इजीली हल कर सकते हैं, बस आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके चलिए इनको अपने दिमाग में रख के चलिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो हम कैसे करेंगे, उस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हम कैसे करते हैं ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़िए, बाकी हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। हेलो स्टूडेंट्स, मैसेल मानन सैनी, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जैसा कि हमारा टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन केमिकल बैलेंसिंग, यहाँ पर हमारा टॉपिक चल रहा है और इसमें बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी हुई हैं। रिएक्शन बैलेंसिंग में आपको पता है कोई भी रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आती है तो कौन कौन से मैथड है बैलेंस करने के लिए, एक है आयन न्यूट्रॉन मैथड और दूसरा है यस ऑक्सीकरण संख्या विधि। तो ऑक्सीकरण संख्या विधि आपने रिसेंटली पढ़ा हुआ टॉपिक है आपका, आपके सामने आज आपको एक रिएक्शन दिखाई पड़ रही है उस रिएक्शन को करना है बैलेंस, और हमसे कहा गया है कि ये अभिक्रिया जो आपको दी गई है या बैलेंस करिए इस अभिक्रिया का मीडियम है देखो कौन सा क्षारीय माध्यम, इतनी चीजें कही है उन्होंने, नहीं बताया हुआ है कि आप अम्लीय माध्यम सॉरी आप इस अभिक्रिया को ऑक्सीकरण संख्या विधि से करें या इलेक्ट्रॉन विधि से करें, ऐसा नहीं कहा उन्होंने, कहा भाई आप पहले रिएक्शन बैलेंस कर दो, इसका मीडियम कौन सा है क्षारीय माध्यम, इतनी बात उन्होंने बताया।
तो ये तो हमारी मर्जी कौन से मेथड सेलेक्ट करने चाहिए, एक मेथड हम बताएंगे आपको और एक दूसरा वाला मेथड ट्राई करना है आपको अपनी तरफ से, आपके लिए होमवर्क है ये। तो स्टार्ट करते हैं, कौन सा मेथड बता दूं, आयन वाला या फिर ऑक्सीजन संख्या। तो लास्ट मेथड क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है ऑक्सीजन संख्या होती है, तो हम लोग अभी वही वाला मेथड डिस्कस कर ले रहे हैं, और जो दूसरा है पॉइंट वो वाला मेथड आप खुद से ट्राई करेंगे इलेक्ट्रॉन में इजी था। तो चलो ट्राई करते हैं ऑक्सीजन संख्या से। बच्चों सबसे पहले क्या करना होता है, आपको बनानी होती है दो आखिरी एक्सेस। आप लिखो किससे बनाने हैं, मेन एलिमेंट्स। क्या होते हैं मेन एलिमेंट्स, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारे होते हैं हमारे कौन से मेन एलिमेंट। तो लेट्स स्टार्ट, देखिए कह रहे हैं Mn से Mn आप बनानी चाहिए आखिरी एक्सेस बन गया। फिर इसके बाद का आपका काम दो आप रिएक्शन और बनानी है आपको, दो मैक्सिमम है, ओके ना, तो ये भी आपका हो गया। अब इसके बाद का काम क्या है, इसके बाद का काम होता है आपको ये जो मेन एलिमेंट होता है उसको बैलेंस करना होता है, और अगर बैलेंस है तो नो इशू, आपको सीधे सीधे करना होता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करिए और वैलेंसी नोट करिए, चेक करा हो ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा प्लस है। देखो इतनी प्रैक्टिस कर लो ऑक्सीजन संख्या की, देखते ही निकाल लिया तो होगा, ये प्रैक्टिस करके बहुत दिनों से आप कर रहे हैं, प्रैक्टिस हो भी गई होगी बेटा। प्लस टू एग्जैक्टली प्लस फाइव, हियर कम्स माइनस वन, ओके। चलिए भैया देखते हैं क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं यहाँ, ओ एम सी कितना आ रहा है, प्लस सेवन से हो गया प्लस फोर, बड़ी ही घटी है, सात से चार घट गई ना, कितनी थी, गुड। यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, माइनस वन से प्लस पांच हो गया, माइनस वन से प्लस पांच हो गया, बहुत अच्छे डिफरेंस हो गया, कितना डिफरेंस हुआ चेक करो और बताओ, चार पांच तीन दो एक, बढ़ रही है घट रही है, बढ़ रही है, कैसे चेक करेंगे, ये लिखा होता है ना, ये लिखा आपने लिखा होगा कि जीरो वन टू थ्री ऐसे छोटे में पड़ा होगा, माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री ऐसे एक साइड में नंबर आपको मिल रहे हैं, ऐसे इधर मिल रहे हैं प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर सॉरी प्लस फाइव, ओके ना, लाइक दिस वन टू थ्री फोर फाइव, ओके चेक इट आउट। इन्होंने क्या कहा, कहां से कहां पहुंच गए, माइनस वन से प्लस पांच में पहुंच गए, कितना डिफरेंस हुआ बेटा, देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स का डिफरेंस, हो गया सिक्स का डिफरेंस। तो अब ये जो सेकंड डिफरेंस हुआ है मैंने बताया इसलिए दिया, उसको जीरो को काउंट नहीं करते, बच्चों को बड़ी गड़बड़ जाता है कि कहां से कहां पहुंच गए उनको पता ही चला। अब जैसे माइनस वन है, माइनस वन से माइनस फाइव हो गया तो उनको पता ही चलता है, तो आपको यहां से इजी रहेगा, बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम होती है, तो आई गेस ये आपकी प्रॉब्लम अभी खत्म हुई होगी। माइनस वन से पांच का डिफरेंस चेक करना था, माइनस वन कहां पहुंचे, पांच तक पहुंचे, डिफरेंस कहां आएगा चलो पता है, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव लाइक ऐसे पहुंचे, ठीक है, डिफरेंस आया छह का, छह बढ़ गई है। जब आपकी छह संख्या बढ़ रही है तो अब आप क्या करोगे, कोएफिशिएंट बैलेंस करना होगा, कोएफिशिएंट बैलेंस करने के लिए क्या करोगे, इसमें छह का गुणा कर दो, इसमें तीन का गुणा कर दो, बराबर हो जाएगा, एक संख्या अठारह छह संख्या अठारह। यहाँ पे भैया दूसरा वाला तरीका है कौन सा, इजी है ना, छह है तीन है इसको छह बना दो, ओके पूरे में करेंगे दो सौ मल्टीप्लाई, इसमें कितना आपको मिलेगी, एक नई क्वेश्चन मिलेगी देखते हैं, नंबर थर्ड आखिरी एक्शन मल्टीप्लाइड बाई टू, दिस इज टू एम एम फोर, मैंने आपका सिंपल मैंने बताया ना, सिंपल मैंने बताया ने उनसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ठीक है ये भी एम सी आपका बैलेंस होकर के आ गया 106, तो ये भी है 6, और जब हमने कहा था कि जी आपको हाफ रिएक्शन में दोनों को एनर्जी सिमिलर है, ये भी छह है ये भी छह, तो इन दोनों आप रिएक्शन को क्या करेंगे ऐड करेंगे, ओके क्या लिखेंगे आप, बाय द एडिंग फर्स्ट एंड सॉरी सेकंड एंड थर्ड फ्रॉम सेकंड प्लस थर्ड, इन दोनों को जोड़िए आपको मिलेगा, देखिए क्या मिलता है, जोड़ना तो आता है एनर्जी वाले एनर्जी में आरएसएस वाले आरएसएस में, ठीक है चलिए फिर जोड़ भी है, जोड़ लिया जोड़ लिया है, जब आपने इस आपके तब आपका काम क्या होता है ऑक्सीजन और
हाइड्रोजन रहते हैं करते हैं ऑक्सीजन का हाइड्रोजन नहीं है बैलेंस करने पर आप अच्छे से साफ साफ समझ लेंगे। हमने क्या लिखा ऑक्सीजन हाइड्रोजन बैलेंस करने पर थोड़ा सा जानबूझ कर गड़बड़ लिखते हैं कि आप हमसे हम पे फोकस करो लिखा क्या है ओके ध्यान रखिएगा। चले देखिए बैलेंस करें ऑक्सीजन बैलेंस करने के क्या होते हैं वाटर हाइड्रोजन के लिए एच प्लस आयन फिर से एक बार लिखो रिएक्शन यस जो भी रिएक्शन का स्टेबिलिटी है वैसे लिखना है चेक करो ऑक्सीजन कितना है 8 यहाँ पर कितना है 4 एंट्री 7 कितना होगा देखो 4 8 यहाँ पर 2 4 4 3 7 तो क्या करेंगे एक एक्स2 दो एक बहुत बढ़िया नोट किया आपने। अब इसके बाद आप क्या करोगे वहां पर तो हाइड्रोजन हो गए दो यहाँ पर एक भी नहीं है तो क्या करोगे 2 H+ आयन ठीक आपने ये भी छोड़ दिया ठीक बड़ा अच्छा गया आपका आंसर आ गया लेकिन ये असलिक में आ गया क्वेश्चन किसमें है बेसिक में तो भाई जब रिएक्शन बेसिक में तो आप सबको हम सबको पता है क्या हम लोगों को मालूम होता है कि जब हमारी क्रिया होती है क्षारीय माध्यम में तो हम लोग क्या करते हैं नंबर इतना ही लिख दो क्योंकि अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में है अतः दोनों तरफ रसायन जोड़ने पर जोड़ो भाई यही वाला जो आंसर आया बेटा इस वाले आंसर को जोड़ेंगे फिर से लिखते हैं ये वाले रिएक्शन कितने आयन जोड़ते हैं कितने आयन जोड़ते हैं जितने OH आयन होते हैं ना सॉरी जितने H आयन होते हैं उतने ही OH आयन आप जोड़ते हैं दोनों से 2 हाइड्रोक्सी इफ सेड तो मैंने उनको जबरदस्त क्वेश्चन के साथ सल्फेट आयन वाली अभिक्रियाएं आपको बड़े को मिलने वाली है थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेज ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो बच्चों आज के वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.3 के सवाल बताने वाला हूं। देखिए कुछ रिक्त स्थान है जिसके आपको भरना है किस प्रतीक से इस प्रतीक को आप जानते होंगे इसे बोलते हैं इम प्रॉपर सबसेट और इसको इम्प्रॉपर सबसेट नहीं है तो देखिए ध्यान से इसको हम क्या पढ़ सकते हैं और इम्प्रॉपर सबसेट को हम पढ़ सकते हैं या तो उपसमुच्चय देखिए इसमें दो सिंबल है सबसेट का सिंबल भी है और ये बराबर का सिंबल भी है
यानी या तो सबसेट हो जाए या तो आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो देखिए ध्यान से, एक्स ऐसा है कि एक्स एक सम प्राकृतिक संख्या है। बताइए सम प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। डैश डैश डैश। इसको बताइए, एक्स ऐसा है कि एक्स एक पूर्णांक है, तो पूर्णांकों का समुच्चय क्या होता है? 0, ±1, ±2, ±3, ±4, ±5, ±6, ऐसे चलता। अब आप देख के बताइए, क्या ये सेट इस सेट के बराबर है? नहीं है। देखिए इस सेट में बहुत ज्यादा संख्या है, इस सेट में क्या है? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो इसमें देखिए क्या 2 है? हाँ है। क्या 4 है? हाँ है। क्या 6 है? हाँ है। 8, 10, 14 सब मिलेगा। तो मुझे बच्चों ऐसा लग रहा है कि इस सेट का निर्माण इस सेट से हुआ, यानी ये सेट इस सेट का क्या है? सबसेट है। लेकिन बच्चों कैसा सबसेट है? प्रॉपर, तो सिंपल लगना चाहिए वैसे ये वाला प्रॉपर सबसेट का। लेकिन इन्होंने क्या दिया है? इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल दिया है। तो आप इस केस में ऐसा सोचिए, या तो उपसमुच्चय हो या तो बराबर हो। तो बताइए क्या ये सेट और ये सेट आपस में बराबर है? नहीं है। देखिए इसमें तो माइनस की भी संख्या है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो समुच्चय है वो इसका क्या है? उपसमुच्चय। तो अगर बच्चों सही सिंबल लगाना है तो ये सिंबल लगेगा, लेकिन आपकी बुक में दिया है इम्प्रॉपर सबसेट। लेकिन अगर सही मायने में सिंबल लगाना है तो लगेगा इसमें कौन सा? प्रॉपर सबसेट का सिंबल लगेगा। लेकिन अगर आप इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल भी लगा देंगे तो गलत नहीं माना जाएगा। इसको हम क्या पढ़ेंगे कि ये समुच्चय या तो इसका उपसमुच्चय हो या तो ये समुच्चय इसके बराबर हो। तो मैंने इसमें कौन सा सिंबल लगा दिया? इम्प्रॉपर सबसेट। सही क्या होगा? प्रॉपर सबसेट होगा। ध्यान रखिए, देखिए क्या लिख रहा है। एक्स ऐसा है कि एक्स एक स्वर है। यही स्वर होते हैं। और इसमें क्या लिखा है? एक्स ऐसा है कि एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर है। तो अंग्रेजी वर्णमाला कितने अक्षर होते हैं? 5 है। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इस सेट का निर्माण इससे हुआ है, लग रहा है ना। तो इसका सही सिंबल फिर से क्या होगा? सबसेट वाला होगा। लेकिन यही आपकी बुक में कंफ्यूजन है, इसमें सबसेट का सिंबल लगाएं या प्रॉपर सबसेट का सिंबल लगाएं, दोनों केस में ही सही माना जाता है। लेकिन सबसे अच्छा सिंबल क्या रहना चाहिए इसके अकॉर्डिंग? सबसेट का। लेकिन प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल लगा हुआ है, तो इम्प्रॉपर सबसेट का सिंबल लगा दें। इसका मतलब या तो उपसमुच्चय हो या तो बराबर हो। तो देख लीजिए इसका उपसमुच्चय है, बराबर तो है ना। अगला देखिए क्या लिखा है। एक्स ऐसा है कि एक्स एक वर्ग है। और फिर क्या लिखा है? एक्स ऐसा है कि एक्स एक आयत। अच्छा बताइए आयत क्या होता है? आयत ये होता है ना, इसके आमने सामने बराबर, बराबर मान लो ये 5 है और ये 7 है, ये आयत है। क्या बच्चों प्रत्येक आयत वर्ग हो सकता है? क्या बच्चों प्रत्येक आयत वर्ग हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। आयत वर्ग तब होता है जब आयत की लंबाई और आयत की चौड़ाई आपस में क्या हो? बराबर। लेकिन क्या प्रत्येक वर्ग एक आयत हो सकता है? हाँ हो सकता है। देखिए एक वर्ग है, मान लीजिए एबीसीडी एक वर्ग है, 4 भुजा का। तो अगर इसको मैं आयत की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखूं तो क्या देखूंगा? इसकी लंबाई आपस में बराबर है, चौड़ाई आपस में बराबर है। अगर चारों भुजाओं के अनुसार ना देखूं तो फिर ये आयत है। आमने सामने भुजाएं बराबर हैं, देखिए चौड़ाई चौड़ाई आपस में बराबर है, तो ये जो वर्ग है वो आयत हो सकता है। यानी आपको ये याद रखना है कि जो वर्ग है यानी आपको ये याद रखना है कि जो बच्चों प्रत्येक वर्ग है वो आयत हो सकता है। हो सकता है ना। तो मैं इसमें क्या लिखूंगा? जो वर्ग है वो सबसे होगा किसका? आयत का। अगला देखिए ये क्या लिखा है। सिंगलटन ए क्या है? एबीसी का क्या होगा? सबसेट होगा कि सबसेट नहीं होगा? तो बताइए अगर मैं एक सेट के सबसेट बनाऊं तो क्या बनेगा? एक बनेगा फाई, एक बनेगा सिंगलटन ए, एक बनेगा सिंगलटन बी, एक बनेगा सिंगलटन सी। तो देखिए सिंगलटन ए है कि नहीं है, तो मैं कौन सा सिंबल लगा दूं सबसेट का?
अब ये बताइए, ये सिर्फ ए लिखा है, ए में कोष्टक तो है नहीं, अगर ए में कोष्टक नहीं तो इसका मतलब ए समुच्चय नहीं है। तो बच्चों ये जो ए है वो समुच्चय है ही नहीं, क्योंकि इसमें मतलब ब्रैकेट का सिंबल नहीं लगा, तो इसको लिखेंगे इज नॉट सबसेट टू ए बी सी। आइए अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। समुच्चयों के सभी उप समुच्चय लिखिए। सभी उप समुच्चय लिखना है, पहला पाई, दूसरा ए बी, तीसरा वन टू थ्री, चौथा ए बी सी डी, पांचवा। देखिए इस सवाल में मुझे पांच समुच्चय दिए हैं और पांचों समुच्चय के सभी उप समुच्चय लिखने हैं। तो पहला समुच्चय क्या दिया, ए पाई है, माना ए बराबर क्या पाई। अच्छा बच्चों पाई को क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय बोलते हैं, बताइए पाई को क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय में कितने अवयव होते हैं, अगर मैं इसकी तरह संख्या निकालूं तो कितने होंगे, जीरो होंगे। अरे रिक्त समुच्चय में कितने अवयव होते हैं, एक भी नहीं, यानी जीरो। तो अगर कोई समुच्चय रिक्त समुच्चय है तो उसकी गलत संख्या क्या होगी, जीरो। तो कुल उप समुच्चय कितने बनेंगे, सूत्र बताया कुल उप समुच्चय क्या होते हैं, टू की पावर एन, वीडियो में बताया था टू की पावर एन की जगह जीरो, यानी इस समुच्चय का एक ही उप समुच्चय होगा। और बच्चों अगर किसी भी समुच्चय का एक ही उप समुच्चय हो तो वह उप समुच्चय क्या होता है, पाई। अगर किसी समुच्चय का एक ही उप समुच्चय हो तो वह समुच्चय क्या होता है, सिर्फ पाई होता है। अच्छा बताइए इसके बारे में, इसको मैं मान लेता हूँ किसके बराबर, बी के बराबर, ए कॉमा बी। बताइए ये परिमित समुच्चय है कि नहीं है, तो इसमें गणन संख्या बताइए, एनडी एनडी कितनी होगी, दो दो अवयव है, तो बताओ कुल उप समुच्चय कितने होंगे, कुल उप समुच्चय का सूत्र टू की पावर एन, टू की पावर एन की जगह दो, दो का वर्ग कितना चार, यानी चार उप समुच्चय होंगे। अब वे चार उप समुच्चय होंगे कौन कौन से, तो बी के कुल उप समुच्चय कौन कौन से होंगे, पहला होगा फाइव, दूसरा बताइए आपके एक एक एलिमेंट मिलेंगे गणितन बी, और सबसे लास्ट में दोनों एलिमेंट मिलेंगे, बताइए चार समुच्चय हो गए, चार में यथार्थ कितने हैं, तीन, कौन से तीन यथार्थ है, ये जो सेट होगा खुद ए कॉमा बी वो क्या होगा, यथार्थ समुच्चय होगा। आई थिंक ये समझ में आ रहा हो, तीसरा सेट चेक किया है, तीसरा सेट बच्चों दिया गया है वन टू थ्री, इसके कुल समुच्चय चाहिए हमको, तीसरा सेट दिया है वन टू थ्री, तो इसको मैं मान ले रहा हूँ किसके बराबर, सी के बराबर। तो बताइए एनसी, एनसी बराबर कितना, तीन, एनसी का मतलब सी की गणन संख्या, सी की गणन संख्या कितनी है, तीन, तो कुल समुच्चय कितने होंगे, टू की पावर एन, टू की पावर एन की जगह तीन, कितना, तो दो की घात तीन का मतलब आठ, यानी आठ उप समुच्चय होंगे, मुझे आठ उप समुच्चय लिखने। तो उप समुच्चय होंगे कौन कौन से, सबसे पहला तो फाइव होगा, फिर कैसे करेंगे, इसमें एक एक अवयव अलग करेंगे, सिंगलटन वन, सिंगलटन टू, सिंगलटन थ्री, अब दो दो अवयवों को साथ में रखेंगे, तो एक के साथ दो, फिर दो के साथ तीन, फिर तीन के साथ एक,
तीन के साथ दो मत लेना, तीन दो या दो तीन बात एक ही है, सबसे लास्ट में क्या होगा, तीन हो गया, बताइए कितने हो गया, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ, आठ में से ये जो सबसे लास्ट वाला है वो क्या होगा, पायल आठ, और ये सात हम क्या होंगे, यथार्थ होंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है ए बी सी डी, इसको मैं मान लेता हूँ कैपिटल डी के बराबर, बताइए फर्मियम समुच्चय है, इसकी गणन संख्या कितनी होगी, चार, तो बताइए कुल समुच्चय है, कुल उप समुच्चय की संख्या बताइए, टू की पावर एन सूत्र लगाएंगे, एन का मतलब कितने अवयव है, टू की पावर एन का मतलब चार है, कितना, सोलह, अब ये सोलह उप समुच्चय पे बोलने, तो समुच्चय कौन कौन से होंगे, सबसे पहला क्या होगा, सबसे पहला होगा फाइव, फिर सिंगल सिंगल लिखेंगे, एक बार सिंगल इटन ए, फिर सिंगल इटन बी, फिर सिंगल इटन सी, फिर सिंगल इटन ई, अब ये एक अवयव हमको दिखाया, दो दो को लिखेंगे, ए बी ध्यान दीजिए इसमें, ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी है ना, और फिर डी ए एंटी क्लॉकवाइज डी ए, और अभी ध्यान से देखिए हम इसमें भूल हो सकती है, अभी ए के साथ सी नहीं आया, देखिए ए सी है क्या, नहीं, तो ये हो गया क्या ए सी, और देखिए बी के साथ डी नहीं आया, तो बी डी, तो ये दो दो वाले पेयर हो गए, अब तीन तीन वाले हो गए, तीन तीन को साथ में रखिएगा, तीन तीन का मतलब पहले ए बी सी, तो ए बी सी, फिर क्या होगा बी सी डी, फिर क्या होगा बच्चों, फिर आएगा सी डी ए, और ए कौन होगा, ध्यान से देखिए ए कौन सा होगा, सी डी ए, देखिए टी ए बी हो चुका है, अब ध्यान से देखिए ए बी सी हो चुका, बी सी डी हो चुका और सी डी ए हो चुका, अब क्या बचेगा, अब बचेगा इसमें देखिए कितने सबसे हो गए, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, अभी एक सबसे और मिलेगा, ध्यान से देखिए वो सबसे कौन सा होने वाला है, वो सबसे होगा देखिए ए बी डी, अभी साथ में नहीं आया, देखिए ए बी डी, देखिए ए बी सी है लेकिन ए बी डी नहीं, तो एक हो गया ए बी डी, ये तीन डी वाले भी संबंध है, देखिए कितने हो गए, एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, कितने, सोलह, सबसे लास्ट कौन सा होगा, खुद चार वाली मैंने पढ़ा ए बी सी डी, तो ये बच्चों बन गया इस समुच्चय के क्या सारे समुच्चय, पांचवा देखिए, है सेट के अंदर सिंगलटन फाइव, आप देखिए इसमें ई बराबर, अच्छा बताइए इसमें समुच्चय के अंदर एक ही अवयव तो है, अरे इसको क्या बोलते हैं, सिंगलटन फाइव को क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय को बोलते हैं, तो बताइए इस सेट के अंदर एक ही समुच्चय तो है, यानी इस सेट का एक ही अवयव है सिर्फ फाइव, तो एन ई बराबर कितना, बताइए समुच्चय कितने होंगे, दो होंगे, दो में एक क्या होगा, एक होगा फाइव और एक होगा खुद एक सेट पूरा सिंगलटन, ये हो गया, तो बच्चों आज के वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.3 पर आधारित दो सवाल बताए हैं, अब मैं इस चैप्टर को अगले दिन भी कंटिन्यू करूंगा, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट,
Have a wonderful morning to one you all. I really welcome you on a video lecture class. Student, as you have seen that yesterday we discussed before you a new topic. A new topic that was a completely new topic for you. That is written upon here, synthesis. That was synthesis. And I told you the meaning of this, translation. What is the meaning of it? Translation. And in synthesis, we combine two or more simple sentences into one simple sentence. I have already told you that this topic synthesis is classified into three. The first one, we combine two or more simple sentences into one simple sentence, and the second one, the combination of two or more simple sentences into one complex sentence, and the third one, the combination of two or more simple sentences into one compound sentence. So, first we will discuss the combination of two or more simple sentences into one simple sentence. And I had already taught you, I discussed with you, what's the meaning of simple sentence? What's the meaning of the simple sentence? So, the meaning of the simple sentence is that type of the sentence in which we use only one main verb. We use only one main verb. It means the finite verb, and the rest of the verbs will be infinite verbs. Fine? So, today we will discuss with you how many types of the rules, how many types of the criteria by which we can frame two or more simple sentences into one simple sentence. Two or more simple sentences into one simple sentence. So, I am writing over here. There are seven rules to frame the simple sentences into one simple sentence. The first one is your use of participle. Use of participle. And the second one is use of infinitive. Use of infinitive. Student, you have to note it down. The first one is use of participle. The second one is use of infinitive. The third one is use of nominative. Use of nominative absolute. Fine. And the fourth one is use of conjunction. The fifth one is use of adjectives. The sixth one, use of noun or phrase in a position. Phrase in a position. The seventh one, use of adverb or adverbial phrase. And the last one, use of preposition before noun or gerund. Okay? So, student, these are eight rules before you. The use of conjunction and use of adjective.
this is only one rule you can be added. So you can say that these are seven rules of framing the simple sentences into one simple sentence. So you have to note it down. And today we will take the use of participle. The use of participle. Today we will take the use of participle. So student, we must know what is participle. Participle. Participle is the ing form of the main verb. It's the ing form of the main verb, and it is classified into three. It's classified into three: the present participle, past participle, and past perfect participle. Present participle, past participle, and past perfect participle. The basic rule of using participle is that whenever we have to use the participle, whenever we have to use the participle, there must be same subject in both the sentence. Subject will be same in both the sentence. Dono sentence mein subject same hona chahiye. The verb must be in a continuation form. Jo hamara kaam hai, wo lagatar hona chahiye. And what we do in both the sentence, the verb that is completed first. The verb that is completed first, we change the sentence into present participle. जो काम पहले खत्म होता है उसको हम लोग इसमें चेंज कर देते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में. सो द फर्स्ट वन चेंज इनटू इनफाइनाइट वर्ब्स एंड द सेकंड वर्ब विल बी रिमेन एज इट इज. जो सेकंड वर्ब होती है वो हमारी फाइनाइट यानी मेन वर्ब ही रहती है. सो स्टूडेंट वी हैव टू सी देयर आर टू टाइप्स ऑफ द वर्ब. टू टाइप्स ऑफ द वर्ब. सपोज दैट आई एम राइटिंग हियर अ सेंटेंस. I saw a lion. I ran away. Two sentences are written here. You can see at the bottom. So the first thing is that, as I am telling you, subject will be same. I is here and I is also here. The subject is same and two verbs are there. In the first sentence saw, the second form of the verb is used, and in the second sentence ran away. It's also the second form of the verb. Ran. And I'm telling you that the verb that is completed first you have to change into present participle. जो काम पहले खत्म हो रहा है उसको present participle. I saw a lion. The first you have seen the lion, पहले आपने lion को देखा है, then you ran away. तब आप कहाँ से भागे हैं? So you have to change this one. This verb you have to change into present participle. It means first you have to change into first form of the verb, then you have to add ing form. So seen a lion, and you have to put comma here. And I, this is the same. Subject is same. So one sentence, one subject will come over here. Seeing a lion, I ran. Seen a lion, I ran. So, what's the Hindi meaning of this one? The Hindi meaning of this one is lion ko dekh karke. Lion ko dekh karke main bhag gaya. Fine. Seeing a lion, I ran. So, the rules that I'm telling you, it's applicable here. The subject is same, and the first verb that is completed over here, you have changed it into present participle, and the second verb ran away. It's the main verb. There is no changement. यहाँ पर कोई changement नहीं होगा. So it's the exam and the verb is in continuation form. Continuity है verb में लगातार काम हो रहा है. Because first you have seen the lion. जब आपने lion को देखा, तो आप क्या वहाँ पर wait करोगे? Will you wait any longer there? No, you will not wait. You have to run away as soon as possible. So there is a continuity of the verb, right? So whenever the continuity of the verb and subject will be same, so you have to use present participle. This is the example of the present participle. You have to note it down. And the present participle, there is a classification of the present participle, and past perfect participle. The definition of this one is given by J.S. Nesfield. Present participle is active in meaning.
So you can see it is active in meaning. The verb is in continuation form. It is active, fine. And past participle is passive in meaning. Past participle is passive. It means past participle is not in continuity. Is it in passive? It's remained. It showed the quality of something. It showed the adjective of something. It expressed the quality of something. Fine. So according to the definition is really applicable here. What's the definition here? That present participle is active in meaning. Present participle is active in meaning. It is active in meaning. Right? So it's clear to you it's active in meaning. Past participle is passive in meaning. Past participle is passive in meaning. So do you know, children, what's the meaning of the active? Active and passive. What's the meaning of this one? Sakri, nishkri. So ye active rehta hai, present participle. Or ye passive rehta hai. Fine, past participle. And what is the past participle? Past participle is the third form of the main verb. The past participle we use third form of the main verb. First we will discuss the definition that's given by JSP. And perfect participle points out that a particular verb has done particular verb was done when something had happened before. Particular verb was done when something had happened before. So I think this definition will clear to you all the three parts. Present participle is active in meaning. We use the same subject in both the sentence. The verb is in continuation form and the meaning, Hindi meaning is it karke. Karke ya hue, the Hindi meaning comes out from the sentence. The perfect participle, that is shows the adjective and quality, and the past participle. Past participle shows the quality, and the perfect participle points out that the first verb is completely completed and the second one is started. So student, this is something I told you about the participle. We will discuss some examples of this exercise so that you will be able to do the given exercise on your book. So that is enough for you. You have to make a revision of all this work, and we will continue this new topic in your next class. Thank you and have a nice day to one more. Hello student, good morning. कक्षा 11 सामान्य हिंदी के अंतर्गत बच्चों हम संधि प्रकरण को पढ़ रहे थे. इसके पूर्व के वीडियो में मैंने आपको दीर्घ स्वर संधि और गुण स्वर संधि पढ़ाया था. आज मैं आपको यण स्वर संधि पढ़ाने जा रही हूँ. कौन सी संधि बच्चों? यण स्वर संधि. यण स्वर संधि का जो सूत्र होता है वो है इको यणचि. क्या होता है सूत्र? इको यणचि. अब इसका नियम क्या होता है? यदि रश्व, रश्व का अर्थ मैंने उस दिन बताया था छोटा, या दीर्घ री तथा री के बाद कोई भी असमान, असमान मतलब होता है जो समान ना हो,
कोई भी असमान स्वर आए तो ई का क्या हो जाता है बच्चों, या हो जाता है। ऊ का क्या हो जाता है बच्चों, वा हो जाता है। री री का क्या हो जाता है, रा हो जाता है। तथा री का ला हो जाता है। इस बात को आपको याद करना पड़ेगा। नियम में क्या बताया गया है कि यदि छोटी या बड़ी ई ऊ री ली के बाद असमान स्वर आए तो ई ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है। ऊ का क्या हो जाता है, वा हो जाता है। री री का क्या हो जाता है, रा हो जाता है। और ली का क्या हो जाता है, ला हो जाता है। बच्चों इसके पूर्व की जो आपने संधियां पढ़ी थी दीर्घ संधि और गुण संधि, उन दोनों में दोनों स्वरों को मिलाकर कोई एक नया परिवर्तित स्वर बन रहा था। परंतु यहाँ यण स्वर संधि में क्या होता है, आगे आने वाले स्वर में क्या हो जाता है, परिवर्तन रहता है। और जो असमान स्वर आता है वो यथावत बना रहे। उदाहरण देखिए, एक उदाहरण मैं आपको ई का दे रही हूं। जैसे प्रति प्लस एकम, एकम। अब देखिए बच्चों वर्ण विस्तार मैंने आपको उस दिन समझाया था। तो यहां पर कौन सी स्वर आ रहा है, ई। और यहां कौन सा आ रहा है, ए। दोनों असमान स्वर। तो यहां पर क्या कहा गया कि ई ई का क्या हो जाता है, या हो जाता है। तो बच्चों प्रापनी जगह हुआ, ता से स्वर निकल गया तो ता व्यंजन बचा, और व्यंजन कैसे लिखा गया, ऐसे। अब देखिए ये जो या है, ई की जगह क्या बदला है, या। ये या यहां पर आ गया। अभी ये व्यंजन है और ये ए की मात्रा जो थी वो इसके ऊपर क्या कर दी गई, लगा दी गई। और बचा क्या, कम। तो क्या बनेगा जाके बच्चों, प्रत्येकम। इसी तरह बच्चों देखो एक दूसरा उदाहरण, अति प्लस आचारा। यहां भी बच्चों आप ध्यान दीजिए, देखिए यहां पर कौन सा स्वर आया है, ई। और यहां कौन सा आ रहा है, आ। दोनों समान स्वर नहीं है, असमान स्वर। तो किसमें परिवर्तन होगा, ई में। और ई का क्या बनेगा जाके बच्चों, या। अब देखो जब इसको करेंगे तो आ अपनी जगह आया, ता से छोटी ई हटी तो ता क्या रह गया, व्यंजन। अब इसके बाद या अपनी जगह आ गया, या भी अभी क्या है, व्यंजन है। अब ये जो आ है वो या से क्या हो गया, मिल गया। बचा क्या, चारा। तो क्या बनेगा जाके, अत्यन चारा। इसी तरह बच्चों अब मैं ऊ का उदाहरण आपको बता रही हूं, देखिए। अब बच्चों जो उदाहरण हम देखेंगे वो ऊ का देखेंगे। देखिए सु प्लस आगतम, आगतम। अब देखो बच्चों विस्तारीकरण अगर करें वर्ण विस्तार, तो यहां पर कौन सा स्वर आ रहा है, ऊ। और यहां पर कौन सा आ रहा है, आ। दोनों कैसे हैं, असमान स्वर है। दोनों कैसे स्वर है, असमान। तो सा से जब हमने इस स्वर को हटा दिया तो व्यंजन क्या बचा, ये व्यंजन बचा। अब ऊ का क्या बन रहा है, वा। तो ये वा आ गया अपनी जगह पर, वा जो है अभी व्यंजन है, हलंत लगा हुआ। तो ये जो आ है स्वर है, ये इसके साथ क्या कर दिया गया, जोड़ दिया गया। बचा क्या, गतम। तो सु प्लस आगतम का क्या बनेगा जाके बच्चों, संधि, स्वागतम। इसी तरह देखिए बच्चों अब मैं आपको री का उदाहरण दिखा समझा रही हूं। जैसे देखिए मातृ प्लस आज्ञा, मातृ प्लस आज्ञा। अब देखिए बच्चों जो है यहां री है तो मां अपनी जगह आया। अब इस जो री है ता आधा रह गया और ये री किस में बदल गई, रा में बदल गई। तो रा बच्चों ता और रा का मिला हुआ रूप क्या होता है, त्रा। तो यहां क्या बन जाएगा, त्रा। अब ये जो बड़ा स्वर है ये इसके साथ मिल गया तो क्या बन गया, मात्रा क्या। इसी तरह बच्चों देखो पितृ, पितृ प्लस आज्ञा, इसका भी बच्चों क्या बनेगा जाके, पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। अब बच्चों मैं लास्ट में अंतिम में
री का एक एग्जांपल आपको बता रही हूं। देखिए जैसे ले लेते हैं री, ली प्लस आकृति, आकृति ही। अब देखिए ली का क्या बन रहा है, ला, तो ला अपनी जगह है। अब ला अभी क्या है, व्यंजन है, व्यंजन है, तो इसके साथ कौन सा स्वर जुड़ जाएगा, आ, तो ये क्या हो जाएगा ला। बचा क्या, कृति, तो क्या बनेगा जाके, ला कृति ही। बच्चों ये बात आपको समझ में आई, आप ये भी समझते हैं या जानते हैं कि जो व्यंजन होते हैं वो बिना स्वरों की सहायता के उच्चरित नहीं होते। बच्चों अब हम पाठ्यक्रम में निर्धारित जो अगली स्वर संधि है वो है अयादि स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों अयादि स्वर संधि का सूत्र होता है इचो अय वायावह। नियम क्या है, यदि ए ओ अय औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का क्या हो जाता है, अय हो जाता है, ओ का क्या हो जाता है, अव हो जाता है, अय का क्या हो जाता है, आय हो जाता है, तथा औ का आव हो जाता है। बच्चों नियम में इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि यदि ए ओ अय औ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, ए का क्या हो जाएगा, अय हो जाएगा, ओ का क्या हो जाएगा, अव हो जाएगा, आय का क्या हो जाएगा बच्चों, आय हो जाएगा, तथा अव का क्या हो जाएगा, आव हो जाएगा। बच्चों अब उदाहरण देखिए, अब हम उदाहरण के द्वारा इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए ने प्लस अनम, ने प्लस अनम। अब देखो बच्चों अगर इससे यहां पर जो स्वर आ रहा है वो कौन सा है, ए, और यहां क्या आ रहा है, आ। नियम क्या कह रहा है कि ए का क्या हो जाता है बच्चों, आय हो जाता है, क्या हो जाता है, आय। तो ना से जब स्वर हटेगा तो ना इस तरह हो गया, व्यंजन है अभी। अब ये जो आ स्वर है वो ना के साथ जुड़ गया या अपनी जगह आ गया, अभी या भी क्या है, स्वर है, तो ये जो आ स्वर है वो या के साथ जुड़ गया और बचा क्या, नयनम। इसी तरह देखो बच्चों भो प्लस अनम, भो प्लस अनम। अब देखो बच्चों यहां पर कौन सा स्वर आ रहा है, ओ, और यहां कौन सा स्वर आ रहा है, आ। अब ओ का यहां क्या बताया गया है कि ओ का क्या हो जाता है, अव हो जाता है, क्या हो जाता है बच्चों, अव। अब देखिए यहां पर भा जो है व्यंजन है, निकल गया, तो अब ये जो आ है वो भा के साथ जुड़ा, वा आ गया और वा अभी व्यंजन है, वा के साथ ये आ स्वर जुड़ा तो पूरा हो गया, बचा क्या, नम, तो क्या बनेगा जाके, भवनम। भो प्लस अनम का क्या बनेगा बच्चों, भवनम। इसी तरह देखिए नए प्लस इका, नए प्लस इका। अब बच्चों देखिए ये एग्जांपल मैं किसका बता रही हूं, आय का बता रही हूं, तो आय अगर इसका विस्तार करेंगे तो यहां पर आय आया और यहां पर ई आया। अब देखिए नियमता आय जो है वो किस में बदल जाता है, आय में बदल जाता है, तो ना जो है वो व्यंजन बचा और ये आय आ जो था वो इसके साथ जुड़ गया, फिर क्या आया, या भी व्यंजन है, तो ये जो छोटी है वो किसके साथ जुड़ जाएगी, या के साथ, और बचा क्या, का, तो क्या बनेगा जाके बच्चों, नायिका। आया बच्चों समझ में। अब इसी तरह देखिए पौ प्लस अकाह, पौ प्लस अकाह। अब देखिए बच्चों ये एग्जांपल मैं किसका बता रही हूं आपको, औ का बता रही हूं, तो यहां पर औ, औ का क्या बनेगा जाके बच्चों, आओ बनेगा जाके, तो पा अपनी जगह आया। अब ये जो आ है वो किसके साथ जुड़ेगा, पा के साथ, फिर
वा आ गया, वा के साथ ये आली आ जुड़ गई और बचा क्या काह, तो क्या बनेगा जाके पावका। बच्चों मैंने यहाँ आपको चार उदाहरण बताए और चारों उदाहरण किससे संबंधित थे, यहाँ के नियम से संबंधित थे। नियम क्या कह रहा है कि ए ओ ए ओ के बाद कोई भी स्वर आए तो ए का आई ओ का औ आय का आय तथा आओ का आओ हो जाता है। उदाहरण पहला एग्जाम्पल मैंने आपको ए का दिया, ने प्लस अनम, तो इसका क्या बनेगा जाके नयनम। फिर दूसरा उदाहरण मैंने आपको ओ का बताया, भो प्लस अनम, तो क्या बनेगा जाके भवनम। तीसरा उदाहरण मैंने आय का बताया, नय प्लस इका, और यदि इसकी संधि की जाए तो क्या बनेगा बच्चों नायिका। इसके बाद बच्चों चौथा जो एग्जाम्पल या उदाहरण मैंने बताया वो औ का बताया, और पौ प्लस अका, और इसका इसकी संधि क्या बनेगी पावका। बच्चों 11th के पाठ्यक्रम में यही चार स्वर संधियां जो हैं वो आपसे पूछी जाती हैं। बच्चों मैंने आपको यहाँ स्वर संधियां उदाहरण देकर समझाई हैं, इसके नोट्स जो है मैं आपको पीडीएफ के माध्यम से आप तक पहुंचाऊंगी। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। हैव ए नाइस डे।